क्या मैं जान सकता हूँ कि ये डिसीजन आप किस बेसिस पे ले रहे हैं? होमी बाबा के पास इंडिया के न्यूक्लियर पावर का रोड मैप है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसीज के नेटवर्क की पूरी जानकारी है रजा साहब। ये काम मैं तो सालों से कर रहा हूँ। इनफैक्ट डॉक्टर भाभा जब कुछ दिनों के लिए गायब थे फॉर वॉट एवर रीजन, तब भी मैं आपका एनर्जी इंडिपेंडेंस के प्लान पर ही काम कर रहा था अकेला। आज अचानक किसी ने आपको एक पत्थर क्या दिखा दिया? पंडित जी, विथ योर परमिशन में प्लीज। सिर्फ एक पत्थर नहीं रजा साहब, एंटायर रिजर्व्स, ट्रावनकोर के महाराजा के पूरे मोनाजाइट रिजर्व्स को हैंडओवर करने के लिए कन्विंस करना, ये आपके लिए कोई कोई छोटी मोटी बात है? कन्विंस तो मैं भी कर लेता माथुर, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे या यहाँ बैठे किसी भी साइंटिस्ट के पास महाराजा को कन्विंस करने के लिए कोई न्योता आया हो। रजा साहब, दिस इज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस, द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द नेशन, एंड विद योर ग्रेट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वी कैन रियली लीपफ्रॉग इनटू द फ्यूचर। और ये सब तो आपसी मसला है, इसको तो हम सुलझा लेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विक्रम, ये आपसी मसला है। ऐसा लगता है घर की बात है, पर हम किसी के घर में नहीं बैठे, एक नए डेमोक्रेसी में बैठे। मुल्क के फैसले किसी की निजी राय या फिर पर्सनल प्रेफरेंस पर तो नहीं लिए जा सकते। पंडित जी, एक सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक वोटिंग करानी चाहिए थी? आई एब्सोल्युटली एग्री विद रजा। वोटिंग कराना चाहिए। यस यस, अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एटलीस्ट। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहते हैं? यस, सो बी इट। लेट्स हियर व्हाट द पीपल हैव टू से। अभी? यस, व्हाई नॉट, साइंटिफिक कम्युनिटी तो यहां मौजूद है जी। विद अ शो ऑफ हैंड्स, दोज इन फेवर ऑफ डॉक्टर मेहदी रजा एज अ चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू। एंड दोज इन फेवर ऑफ डॉक्टर होमी बाबा। Gentlemen, it gives me immense pleasure once again and with full mandate to announce the name of Dr. Homi Jhangir Baba as the first chairman of the Atomic Energy Commission of India.